નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને આપની સાથે હું છું જાગૃતિ. ઇલેક્શન એટલે ગુજરાત ફર્સ્ટ અને ચૂંટણી સંબંધિત પડે પડના મહત્વના અપડેટ સૌથી પહેલા ગુજરાત ફર્સ્ટ પર. આ સાથે જ વાગી ચૂક્યો છે બઝર, એટલે કે મળી રહ્યા છે મહત્વપૂર્ણ એવા ખબર. અર્જુન મોઢવાડિયાએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથેની યાદોને તાજા કરી, વિકાસના કાર્યોને મોદીજીએ હંમેશા વેગ આપ્યો હોવાનું નિવેદન પણ મોઢવાડિયા દ્વારા આપવામાં આવ્યું. વિપક્ષ અવાજ સાંભળીને પણ વિકાસના કાર્યોને મંજૂરી આપતા. વિપક્ષ નેતા હતો ત્યારે હું મારા મંતવ્ય રજૂ કરતો હતો. મોદીજી કહેતા તમે જે કહો છો એ અમારી સરકાર નોંધે છે. અર્જુન મોઢવાડિયા દ્વારા એક બાદ એક આ નિવેદન આપવામાં આવ્યા. કહ્યું કે મેં પોરબંદર એરપોર્ટના વિકાસ માટે દિશા સૂચન કર્યું હતું અને મોદીજીએ જાહેરમાં તેના પર મંજૂરીની મહોર મારી હતી. વડાપ્રધાન બન્યા બાદ પણ તેઓએ એક કામ કરીને પોતાનું આપેલું વચન પાડી બતાવ્યું હતું. એટલે કે અર્જુન મોઢવાડિયા દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે જે વાતચીત થઈ હતી તે વાતચીત અને યાદોને તાજા કરી. લીડર ઓફ ઓપોઝિશન થા મેં અપના સ્ટેન્ડ ઉસ સમય રખતા થા ઓર જ્યાદાતર મેરા જો સ્ટેન્ડ થા उसको एकोमोडेट करने की मोदी जी कोशिश करता था. तो उस समय मोदी जी हमें ये कहते थे कि आप ओपोजिशन में से जब बोलते हैं तो हमारी सरकार उसका नोट डाउन करती है और उसमें जो इम्प्लीमेंट करने लायक है वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं. पोरबंदर एयरपोर्ट की बात करता हूँ. पोरबंदर एयरपोर्ट में एक टर्मिनल, नया टर्मिनल बिल्डिंग बना. उसका ओपनिंग प्रफुल्ल पटेल उस समय के एविएशन मिनिस्टर थे उनके हाथों रखा गया था और मोदी साहब उस समय ये फंक्शन को प्रिसाइड ओवर कर रहे थे और मैं यहाँ के एमएलए और लीडर ऑफ ओपोजिशन की हैसियत से मैं ये प्रोग्राम में हाजिर था. तो उस समय मैंने डिमांड रखी प्रफुल्ल पटेल जी के सामने, तो आप भी हमारा एयरपोर्ट का रनवे की लेंथ है वो 1300 मीटर है, इसलिए बड़ा प्लेन जो है यहाँ लैंड नहीं कर सकते, तो आप ये रनवे 1300 मीटर की जगह 2600 मीटर करवा दो. तो उन्होंने हाँ बोला कि मोदी जी हमें लैंड दे दे तो हम ये कर देंगे. उसी समय मोदी जी ने पब्लिकली कहा कि हम ये आपको लैंड देंगे, आप कर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन कर दीजिए. तुरंत उन्होंने कलेक्टर को सूचित किया कि जल्दी से प्रपोजल भेजिए. लेकिन 2012 के बाद मैं एमएलए नहीं रहा और मोदी जी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो नेचुरली ये साइडलाइन हो गया. इसलिए जो जमीन अलॉट करनी थी एयरपोर्ट, वही जमीन कोस्ट गार्ड को दे दी गई ब्यूरोक्रेसी ने गलती से. मुझे लगा कि कोस्ट गार्ड तो डिफेंस सर्विसेज में आता है, उनको रोकने की क्षमता गुजरात सरकार में तो नहीं, वो तो सिर्फ पीएम साहब कर सकते हैं. तो मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को बात की कि मोदी जी पब्लिकली ये प्रॉमिस देकर गए हैं. विजय रूपाणी जी ने पीएम साहब को कहा कि अर्जुन भाई ने मैसेज दिया है कि आपने पब्लिकली ये अनाउंस किया था, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पब्लिकली अनाउंस किया था. उन्होंने तुरंत इमीडिएटली ये काम स्टॉल करवाया और सूचना दी कि किसी भी तरीके से एयरपोर्ट बनना चाहिए. जो मैं अपोजिशन में होते हुए भी मोदी जी ने ये काम सिर्फ मेरा मैसेज से कर दिया. तो बहुत बड़े दिल वाले हैं.